क्या बात है फरहान, तुम आज ऑफिस भी नहीं आए और ना ही मेरी कॉल्स अटेंड की। इज एवरीथिंग ओके? बाबा कुछ भी ठीक नहीं है। वो सारा और उसके घर वालों ने हमसे मिले बगैर ही इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया है। ऐसे कैसे हमसे मिले बगैर? अम्मी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। वो मैं नहीं समझ पा रहा उसको हुआ क्या आखिर। वो यूनिवर्सिटी भी नहीं आई और ना ही मेरी कॉल अटेंड कर रही है। वो आउट ऑफ कंट्री जा रही है पढ़ने, इतना पता है मुझे। क्या तुम दोनों का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था ना? नहीं अम्मी। हाँ बस कुछ दिनों से उसके रवैये में थोड़ा बदलाव महसूस किया था मैंने, और उसने तो सारे रिश्ते खत्म कर दिए। मुझे समझ नहीं आ रही उसको उसको हुआ क्या है, वो ये सब क्यों कह रही है। कभी कहती है कि मुझसे प्यार नहीं करती, कभी कहती है कि उसको मेरी फैमिली से प्रॉब्लम है। फैमिली से प्रॉब्लम? लेकिन वो तो यहाँ सबसे मिल चुकी है, फिर उसको किससे प्रॉब्लम है? अरे सब बहाने हैं। पहले सलाम दोस्ती को मोहब्बत समझ बैठते हैं, और फिर जब अकल आती है तो छोड़कर चले जाते हैं एक दूसरे को। अच्छा वो तो अब छोड़कर चली गई तुम्हें, अब बताओ बेटा क्या उसके पीछे अब मजनू बनकर घूमते फिरोगे या जारा जैसी मासूम लड़की का हाथ थामोगे? सोच लो बेटा। हो सकता जारा ही तुम्हारे नसीब में लिखी हो। दादी इतनी जल्दी क्या है, पहले मुझे सारा से बात तो कर लेने दे। मैं आखिर उससे पूछूं उसने इनकार क्यों किया है। मैं उसके घर जाऊंगी। अरे तुम क्या कर लोगी वहां जाकर? क्या तुम्हें फरहान के चेहरे से लग नहीं रहा कि वो इसे छोड़कर जा चुकी है? ऐसे ही करती हैं ये लड़कियां, मासूम लड़कों को फुसला फुसला के टाइम पास करती हैं। ये तो अच्छा हुआ फरहान तुम्हारी जान छूट गई। शुक्र है, मुझे तो लगता है दादी की दुआएं लगी हैं, वरना पता नहीं क्या ही करती। फरहान बेटा तुम परेशान मत हो, मैं और सरमत जाएंगे कल सारा के घर, ठीक है? नहीं अब हम वहां पर नहीं जाएंगे। अगर वो लोग ये रिश्ता करना नहीं चाहते तो हमारा वहां जाना बनता नहीं। हाँ सरमत बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अरे जबरदस्ती तो वो रिश्ता देंगे नहीं। और फरहान बेटा तुमने तो पहले ही कहा था कि अगर सारा की फैमिली इनकार करेगी तो तुम जारा से शादी कर लोगे, याद है ना तुम्हें? बोलो फरहान क्या कहते हो? जैसा आपकी मर्जी दादी, मुझे अब जारा से शादी करने में कोई एतराज नहीं है।